फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शालू डेढ़ास किचन। आज हम बना रहे हैं जापे के लड्डू। जापे के लड्डू मतलब जैसे प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी होने के बाद जो हम लड्डू बनाते हैं ना, वो बना रहे हैं। मैं आपको आज उसकी अपनी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं जापे के लड्डू कैसे बनाती हूं। और इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये मेरा भुना हुआ आटा है, दो किलो के करीब ये मैंने भून लिया है। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा नहीं भूनना वरना ये कड़वा लगेगा। जस्ट नॉर्मली हल्का सा भूनना है। ये मेरे ड्राई फ्रूट हैं काजू, आधी किलो काजू है मेरे। ये आधी किलो गोला है जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इन्हें भी मैं आपको भून के जब दिखाऊंगी। ये आधी किलो बादाम है मेरे, इन सभी को मैं अच्छे से भून के उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और ये हमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करने वरना ये कड़वे हो जाएंगे जिससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मली करने हैं। अभी हम आगे देखते हैं, वीडियो पर बने रहें फ्रेंड्स। जब तक मेरा ये आटा ठंडा होता है तब तक मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स कि जो बनाने के लिए पहले से ठंडा करना होगा, उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। अगर ये गर्म रहेगा तो हमारे हाथ भी जल जाएंगे और वैसे भी लड्डू नहीं बन पाएंगे। जब तक मेरा आटा ठंडा हो रहा है, मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है गैस पे। घी, देसी घी गर्म, मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट देसी घी में ही रोस्ट करूँगी जिससे उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जच्चा के लड्डू प्रेग्नेंट लेडी के लड्डू देसी घी में ही बनते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ फ्रेंड मैं भूल गई आपको बताने, ये है हमारी गोंद जो कि जापे के लड्डुओं में ज़रूर डालनी चाहिए। ये बहुत अच्छी होती है जापे के लड्डू के लिए। आधी किलो किशमिश है ये मेरी। ड्राई फ्रूट ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब वैसे तो जापे के लड्डू में ड्राई फ्रूट बहुत ज़रूरी होते हैं, पर अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो है आप वो डाल। मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है और वैसे भी ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं ये ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं आपको ये गोंद अपनी भून के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरीके से, ये अभी से थोड़ी नमी आई हुई है इसलिए मैं इसे पहले ऐसे थोड़ा सा गर्म गैस करके, अगर लो फ्लेम पे ऐसा थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ जिससे कि इसकी नमी निकल जाए और ये बहुत अच्छे से भून जाए। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट करनी है हमें ऐसे, बस थोड़ा ही करना है। हो गई ये 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं इसे हटा लूँगी और इसमें अपने घी ऐड करके अपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लूँगी। अब इसे भी 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे जिससे कि जो इसकी नमी है वो जल्दी से सही हो जाए। तब तक मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेती हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें फ्रेंड्स, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। ये मेरा देसी घी है फ्रेंड, एक बड़ी कटोरी। इसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करूँगी और उसके बाद जो इसमें बचेगा इसे अपने लड्डू में ही ऐड कर दूँगी। बिल्कुल ऐसे ही बनाए फ्रेंड्स, पर देखना आपके लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे, यम्मी। ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक मेरा ये अच्छे से पिघलता है, जब ये बिल्कुल पिघल जाएगा उसके बाद ये हमें अपने ड्राई फ्रूट्स में रोस्ट करने हैं। पर याद रखें फ्रेंड्स, वो जलाने नहीं है, जस्ट मतलब 1 या 2 मिनट के अंदर हमें वो रोस्ट करके निकालने, वरना वो जल जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने देसी घी में अपने काजू ऐड कर दिए हैं। मैंने इसे हल्का सा ऐसे पलट लूँगी और 2 मिनट बाद इन्हें निकाल लूँगी वरना ये जल जाएंगे। आप सोचोगे फ्रेंड्स कि मैंने कट क्यों नहीं किए। मैंने कट इसलिए नहीं किए, अगर मैंने कट करके रोस्ट करती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, मतलब ये इजीली निकलने में प्रॉब्लम करते हैं और उस वजह से ये जल भी जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें रोस्ट करने के बाद कट करूँगी। अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कट करके डालें, पर मैं जापे के लड्डू बना रही हूँ तो ये थोड़ा कट करके डालने पड़ेंगे वरना ये खाने में प्रॉब्लम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है वरना ये जल जाते हैं और ये कड़वे लगते हैं। मैंने जस्ट 2 मिनट रोस्ट किए हैं, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर उससे ज़्यादा ना वो आपको ड्राई फ्रूट कम और जली हुई चीज़ ज़्यादा नज़र आएगी। अब ऐसे ही मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेती हूँ। मैंने अपने सारे काजू रोस्ट कर लिए हैं हल्के हल्के से, ऐसे ही मैं अपने बादामों को हल्का सा भून लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बादाम भी रोस्ट कर लिए हैं। ऑलरेडी इनका कलर ब्राउन है तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा, बस मैंने 2-2 मिनट इन्हें भी रोस्ट कर लिया है, इससे बहुत क्रंची क्रंची लगेंगे, अभी बहुत गर्म है। तो ऐसे ही आपको अपने ड्राई फ्रूट्स सभी रोस्ट, ऐसे ही मैं अपने सारे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। वीडियो पर बने रहें फ्रेंड्स। अब फटाफट से मैं अपनी गोंद को भी रोस्ट कर लेती हूँ। ये मेरा 2 किलो आटा है फ्रेंड्स, इस पर मैं 2.5 किलो शुगर ऐड करूँगी क्योंकि लड्डू तो मीठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप 2 किलो आटे में 2 किलो शुगर ऐड करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 किलो आटे में अपनी 2 किलो शुगर ऐड कर दिया। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, सारे को इसमें मिक्स करके
फिर आपको दिखाती हूँ, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, पर 2 किलो मीठे के हिसाब से 2.5 किलो चीनी सही है शुगर। मिक्स करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपनी सारी शुगर ऐड कर दी है। अब मैं इसमें अपना देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। देखते रहिए, वीडियो पर बने रहें। उसमें मैंने देसी घी इसलिए पहले ऐड नहीं किया क्योंकि फिर वो शुगर का टेस्ट पता नहीं चलता। अब मैं इसमें फटाफट से अपने सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट छोटे छोटे पीसेस में कर लिए हैं। अब मैं इसे अपने जो इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे अपने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसे मिक्स कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊँगी आगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ है देसी घी। अब मैं अपने 2 किलो आटे में अपना 2 किलो घी ऐड करूँगी, जिससे कि बहुत अच्छे से बंधेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। जच्चा के लिए डिलीवरी होने के बाद देसी घी बहुत ज़्यादा ज़रूर ऐड करना चाहिए, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपना ऐसे घी ऐड कर दिया है। एक साथ ही सारा घी नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा डाल के फिर इसे मिक्स कर लेंगे, फिर और ऐड करेंगे। तो मैंने अपने 2 किलो आटे में 2 किलो घी लगाया है, क्योंकि ये मैं जच्चा के लड्डू बना रही हूँ। तो ऐसे आप इसे मिक्स कर लें, फिर इसके हम आपको लड्डू बना के दिखाएँगे। चला, ये मैंने इसमें अच्छे से अपना घी मिक्स कर दिया है। अब मैं अपने लड्डू बनाऊंगी। बिल्कुल ऐसे करके मैं इसमें गोल शेप दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरा लड्डू कितना यम्मी बन चुका है। तो ये हमारे टेस्टी लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you.